नमो नमः। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक मंथन भाग 3 का पाठ 12 प्रहेलिकाहा, इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। प्रहेलिकाहा का अर्थ होता है पहेलियां। अपदो दूरगामी च स्ताक्षरो न च पंडितः, अमुखः स्फुटवक्ता च यो जानाति स पंडितः। अपदो कहते हैं जिसके पैर ना हो, और दूरगामी च, दूरगामी मतलब दूर जाने वाला, कि वो पैरों से रहित है लेकिन दूर जाता है। साक्षरो न च पंडितः, साक्षर अर्थात अक्षरों से युक्त, पढ़ा हुआ है लेकिन पंडित नहीं है, विद्वान नहीं। अमुखः स्फुट वक्ता च, उसका मुख नहीं है लेकिन फिर भी वो स्पष्ट बोलने वाला है। यो जानाति स पंडितः, और जो जानता है वही पंडित अर्थात विद्वान है। तो इसका उत्तर होगा पत्र, अर्थात पत्र के पैर नहीं होते फिर भी बहुत दूर दूर तक घुमाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। साक्षरों अक्षरों से युक्त होता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ लिखा जरूर रहता है लेकिन वो कोई विद्वान नहीं है। अमुखः स्फुट वक्ता च, उसका मुख नहीं होता फिर भी वो सारी बातें जो पत्र में बताई गई हैं वो बता देता है पत्र पढ़ने वाले को। और यो जानाति स पंडितः, जो जानता है वो विद्वान है। दूसरा, यानस्य अंगम हरेः शस्त्रम चिन्हम भारत भूपतेः, चलंतम वर्तुलाकारम यो जानाति स पंडितः। यानस्य अंगम अर्थात वाहन का अंग है, वाहन का भाग है। हरेः शस्त्रम, विष्णु का शस्त्र है। चिन्हम भारत भूपतेः, भारत के राजा का चिन्ह है। चलंतम वर्तुलाकारम, जब चलता है तो गोल है, मतलब गोल चक्कर के समान है। यो जानाति स पंडितः, जो जानता है वही विद्वान है। तो इसका उत्तर होगा, यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए ये क्या है, अशोक चक्र। तो यहाँ पर इसको कैसे, ये देखिए, यानस्य अंगम, यान का यान के वाहन का अंग है, हरि का शस्त्र है, गोल यान के जो चक्र है वो भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र। चिन्हम भारत भूपते है, भारत के राजा का चिन्ह है। भारत के राजा का चिन्ह क्या था, ये अशोक चक्र। और चलंतम वर्तुलाकारम, जब चलता है तो वो वर्तुल कहते हैं गोल, गोल आकार में, और जो जानता है वो पंडित है। उसके बाद आगे देखिए, कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति हरिनाशतम, भीरुः करोति किम युद्धे मृगात् सिंह पलायते। अब कस्तूरी जायते कस्मात्, मतलब कि कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, उत्तर होगा हिरण से। को हन्ति हरिनाशतम, अब हन्ति का अर्थ होता है मारना, हन्ति अर्थात मारना, और कौन मारता है के हाथी, हाथी को कौन मार सकता है, उत्तर होगा शेर। भीरुः करोति किम युद्धे, भीरु कहते हैं डरपोक को, डरपोक युद्ध में क्या करता है, वो करता है पलायन, पलायन का अर्थ होता है भाग जाना, यानी कि जो डरपोक होते हैं वो युद्ध में भाग जाते हैं। मृगात सिंह पलायते, मृगात अर्थात शेर से, शेर और सिंह मतलब शेर, और पलायते मतलब भाग जाता है। तो ये जो अंतिम यहाँ पर लाइन दी गई है मृगात, ये जो पहली तीन ये लाइन्स दी गई हैं, इन तीनों के यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं। जैसे कस्तूरी जायते कस्मात, उत्तर होगा मृगात, यानि कि कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, हिरण से। को हन्ति हरिनाशतम, हाथी का वध कौन कर सकता है, सिंह, ये दूसरी लाइन का उत्तर यहाँ पर है सिंह। भीरु करोति किम युद्धे, भीरु यन के डरपोक युद्ध में क्या करता है, पलायते, पलायन करता है अर्थात भाग जाता है। आगे देखिए, वृक्ष आग्र, वृक्षाग्रवासी यन के वृक्ष के आगे रहने वाला, वृक्ष के ऊपर रहने वाला है। लेकिन न च पक्षीराज, पक्षीराज कहते हैं पक्षियों के राजा को, और पक्षियों का राजा कौन होता है, गरुड़।
तो वृक्ष के ऊपर रहने वाला है लेकिन गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि ही, तीन नेत्रों वाला है लेकिन शूलपाणि अर्थात भगवान शिव नहीं है। त्रिनेत्रधारी है लेकिन शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी ही, अब वो जो है त्वचा पर जो है वस्त्र धारण करता है, छाल धारण करने वाला है, छाल के कपड़े पहनने वाला है, लेकिन वो कोई सिद्ध योगी नहीं है। जलम च बिभ्रन न घटो न भेघः, और वो जल को धारण करता है, विभ्रन मतलब धारण करता है, लेकिन ना तो वो घड़ा है और ना ही मेघ है। तो अब बताइए ऐसा क्या हो सकता है जो कि वृक्ष के ऊपर रहता है लेकिन पक्षी नहीं है, तीन नेत्रों वाला है लेकिन शिव नहीं है, छाल के वस्त्र पहनता है लेकिन कोई सिद्ध योगी नहीं है, और वो जल को वहन करता है अर्थात जल उसके अंदर होता है लेकिन ना तो वो घड़ा है और ना ही मेघ है। तो इसका उत्तर होगा नारिकेल फलम अर्थात नारियल। उसके बाद अंतिम प्रहेलिका देखिए, मुखात दंतौ बहि कस्य, दीर्घा कस्य अस्ति नासिका, नासिकैव करोति सर्वाणि कर्मणि तेन स शोभते। मुखात दंतौ बहि कस्य मतलब कि मुख से दांत बाहर किसके हैं, दीर्घा कस्य अस्ति नासिका दीर्घ नासिका किसकी है, नासिका से ही सभी कार्य करता है, कर्मणि तेन सह शोभते, और वो अपने कार्यों से ही शोभते मतलब पहचाना जाता है। तो इसका उत्तर होगा हाथी। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।